जनपद रुद्रप्रयाग के लिए गुरुवार को दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी नैनीताल से वर्चुअल माध्यम से जनपद की 85 करोड़ 2 लाख लागत की 25 योजनाओं का लोकार्पण और 28 करोड़ 43 लाख लागत की 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 1 अरब 13 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात जनपद को मिली है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सभी योजनाओं के शिलापटों का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश के लिए आज गौरव का दिन है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सैकड़ों करोड़ विकास परक योजनाओं की सौगात दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्य उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, साथ ही इन योजनाओं से जनपद के विकास में गति आएगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कार्यक्रमों का हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है और इसका कुल महायोग जो है 1 अरब 13 करोड़ 45 लाख की राशि के हमने शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है हमने दी है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारा अभियान है संकल्प यात्रा का, उसके तहत ये बहुत बड़ी सौगात जो है हमारे जनपद को मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिलक्यारा के टनल से जो निकले हैं लोग, तो उसकी भी हम खुशी मना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्होंने मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करके और सबके अंदर ये जोश पैदा किया और आज वो सफल हुए और जो है 41 जो हमारे जो लोग उसके अंदर बंद हो गए थे, कैद हो गए थे, उनको रिहा किया गया, वो निकल गए और अपने परिवारजनों से मिल रहे हैं। इसके साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण कार्यक्रम जो थे, अधिकतर हमारे यहाँ लोकार्पण कार्यक्रम थे, जो योजनाएं विगत 1-2 वित्तीय वर्षों में बन करके तैयार हुई हैं उनका लोकार्पण किया गया, जो लगभग 85 करोड़ के आसपास की थी। और उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास हुआ, लगभग 28 करोड़ की लागत की वो योजनाएं थी।